Excuse me! ओए पंजाब वाले अंकल जी, ओ मेरा पुत्रा आ जा पाला जफी पाला जफी जफी। ओहो अंकल जी कई हो गए हो, लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा कैसे हो गए? सुनो हनुमान पे कहाँ लेके जाओगे? श्रीलंका चले, हाउ रोमांटिक। हमारे लल्ला श्रीलंका घुमावे, हमारे लल्ला लिली घोड़ी चलावे। ओ आंटी, यहाँ मेरा अंकल टेढ़ा हो गया है और तुम यहाँ बिल्कुल नाचे ले रही हो। अंकल दर्द में हो ना? हो ना दर्द में? अरे पुत्र जल्दी दे उत्तर, ये तूने कैसी जफ्फी डाली, मेरी पसली ही तोड़ डाली। वो बात ये है ना कि फौजी हूँ तो फौजी वाला शरीर भी है, जरा हुमक के जफ्फी डल गई, अभी ठीक हो जाएंगे, टेंशन को नहीं। आगे जाओ थोड़ा सा। How are you feeling? Wow! ये तुमने क्या किया? How? I am fine. 7, 8, 9. Wow! डॉक्टर दीदी, ये टूटी हुई पसलियां ऐसे कैसे ठीक हो सकती है, बताइए ना जरा, मासूम सा हूँ। अरे alternate treatment. देखो जैसे कि सर पे चोट लगने से याददाश्त भाग जावे, वैसे ही सर पे फिर से चोट लगने से याददाश्त चली भी आवे। सिमिलरली जिस इंसान की पसलियां चटकी हो उनको अगर हुमक के जरा मचक के जरा हपक के इस स्टाइल में ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो टूटी हुई पसलियां जुड़ जाती हैं। डॉक्टर मैडम आपने तो कमाल ही कर दिया, ऐसे तो इन अंकल का भी इलाज हो सकता है। मुझे शर्म आती है। अरे हाँ, इनके साथ भी यही इलाज करेंगे तो अंकल जी ठीक हो जाएंगे। लेकिन लेकिन आंटी जी, अगर किसी आदमी की पसलियां ना टूटी हो और उसके साथ ये हपक के वाला ट्रीटमेंट हो जाए, फिर तो आंटी जी उसका जबड़ा, उसके घुटने, उसका सर, उसकी कोनी, उसकी कलाई, उसके दांत, यहां तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी का भी चूरन बन जाता है आंटी। ओ माय गॉड। लेकिन वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट,
क्योंकि अंकल जी की तो टूटी हुई है ना पसली। समझो कई समझो समझो टहलते टहलते। अरे मैडम जी अरे घोड़ी वाले का फोन आया था। मैडम जी वो हमसे कह रहा था घोड़ी की कहीं और बुकिंग ले लूं क्या किस्मत के कद्दू से। मैडम जी अगर ऐसा हो गया तो हमारी बिटिया की शादी का क्या होगा। मैडम जी अरे हमारी इज्जत आपके कदमों में। अरे अंकल जी आप चिंता करो कोनी, तुम्हारी लड़की की शादी होगी, जरूर होगी, मैं जिम्मेवार हूँ। अभी फिलहाल हमारे राउंड का टाइम हो रहा है, पकड़ो अपनी इज्जत संभाल के रखो, ठीक है? और आप अंकल जी आज रात को मिलेंगे, रेडी रहना। पक्के समझो कई समझो। यही सही मौका है, भाग लेते हैं टहलते टहलते। अंकल जी रणी खम्मा चलिए आपकी पसलियां जोड़ दूं। नहीं नहीं मेरे पास मत आना। पहुंच के मरते पहन के निकली भानुमति भिन्न भानुमति भिन्न। मुझे नहीं तुड़वा जुड़वानी है अपनी पसलियां टहलते टहलते। अंकल जी डॉक्टर आप कोनी? डॉक्टर हो रही हूँ मैं, डॉक्टर भानुमति भिन्न। इलाज तो मैं ही करूंगी, दर्दी का जो दर्द भगावे मिटावे पीड़ा के चिन्ह। फौज की वर्दी पहन के निकली डॉक्टर भानुमति भिन्न। समझो कई अंकल जी। अंकल जी अब भागने की और डरने की जरूरत को नहीं, अब तो मैं आपका इलाज करके ही दम लूंगी अंकल जी। आ, दे, 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 दे। आए, आए। आ, मुझे सुना नहीं, अब मेरी कोई पसली वसली नहीं टूटी, मैं तो एकदम ठीक हूँ टहलते टहलते। अच्छा अगर इतने ही ठीक हो रहे हो तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर मैडम बात दरअसल ये है ना कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा जो है ऐसे गरीब घर की लड़की से शादी करे टहलते टहलते। मैं इसकी शादी बड़े अमीर घर में करने जा रहा था टहलते टहलते, लेकिन इसको इनकी बेटी से प्यार हो गया तो मैंने सोचा कि पसली टूटने का बहाना करके
ये शादी कैंसिल करवा दूंगा टहलते टहलते। वेल प्लानिंग हो गया फेल यू नो, उल्टा पड़ गया खेल यू नो। ओह माय गॉड बेबी। डॉक्टर मैडम है ना, मेक इट रियली फास्ट। हमारे अंदर का समाज सेवक इस वक्त चिल्ला चिल्ला के बोलना चाह रहा है, ये जो हमारे देश में हो रहा है ये सही नहीं हो रहा, ये प्यार के नाम पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं लोग, प्यार के नाम पर इन्होंने जो किया इनको कैद में डालना चाहिए। हम कह रहे मैडम, हम यहाँ पर सो गया, हमारे अंदर का समाज सेवक मफलर उतर के सो गया है। अंकल जी, आप एक पैसे वाले की छोरी से अपने छोरे की शादी कर देते और खूब सारी दौलत भी बटोर देते, पर इसकी खुशियां बिखेर देते आप अंकल जी। इसकी खुशी इस लड़की से शादी करने में है जिससे ये प्यार करता है अंकल जी, पर आप एक बाप होने की जगह एक व्यापारी होने का फर्ज निभा रहे हो अंकल। आपका छोरा बड़ा बदकिस्मत है जो उसको बाप की जगह एक व्यापारी मिला अंकल। समझियो कई समझियो समझियो। डॉक्टर मैडम, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। बेटा मुझे माफ कर दे टहलते टहलते। पापा बहू टहलते टहलते दीदी टहलते मुहूर्त निकला जा रहा है भाई, फेरे डलवाओ, चलो चलो शादी करवाओ। हाँ, चलो 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 चलते आइए संदीप, चलो चलते। हाँ जी चलिए चलिए, बाय 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 बाय। ये मेरी तरफ से याद, आप जब भी इसे देखेंगी मेरी याद आएगी आपको। इसको बालों में लगा लीजिएगा। बालों में मैचिंग मैचिंग हम आती है। नहीं नहीं साड़ी साड़ी मैचिंग मैचिंग। क्या कर रहे थे कि ओ आंटी, लड़के की शादी हो गई, बहू भी आ गई घर में, तिजोरियों की चाबियां भी हड़प ली है उसने। तुम यहाँ इससे एक भी नहीं संभली गई, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? फटफटिया चला दे हमारे लल्ला। डॉक्टर दीदी। मैडम ये किया ना आपने, अजब बीमारी का गजब इलाज, वाओ। तो इस खुशी के मौके पर भानुमती का एक दोहा पेश है। पीड़ा चाहे तन में उठे या मन की होवे, पीड़ा चाहे तन में उठे या मन की होवे, ट्रीटमेंट जब तक खत्म ना हो भानुमती चैन से न सोवे। समझियो कई समझियो। इतनी रात को बारिश में अकेले कहाँ जा रही हो? आ जाओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। मुझे जाने दो। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं जाने मन, बैठ जाओ हमारी गाड़ी पे। तूने मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। मचाओ शोर, देखता हूँ इतनी रात को बारिश में तुम्हें कौन आता है बचाने। पकड़ी से पकड़ पकड़। मन के बिजली कड़क जा, मन के बारूद भड़क जा, मन के बिजली कड़क जा, मन के बारूद भड़क जा, भड़क जा, भड़क जा। डर मत, भानुमती आ गई,
अब तेरा बाल भी बांध ना हो सके। ए, कौन हो तुम? इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। दानव के लिए भवानी, जुल्म के लिए सुनामी, अत्याचार के लिए आंधी और पाप के लिए तूफान। भानुमती नाम है, मारो। ये हाथ दर्दी के माथे पे आ जाए तो उसका बुखार नाप लें, और तुम जैसे मक्कारों के सीने पे आ जाए तो छाती फाड़ दें। समझियो कई? ये है ना मैडम जी, अपनी भलाई चाहती हो ना, निकल लो यहाँ से। I'll be right back. फिलहाल ये छोरी हो रही है दर्दी, और दर्दी की पीड़ा हरे बिना भानुमती जाएगी कोनी। सिचुएशन में भानुमती का एक दोहा पेश। सॉरी सॉरी बोलन लाग रे जब पड़ी घूसा और लार। सॉरी सॉरी बोलन लाग रे जब पड़ी घूसा और लार। पिटने की नौबत आती कोना जब पहले मान लेते बात। चलो कोई बात ना है, एक एक करके गाड़ी में बैठो, 8 घंटे का सफर पूरा करके जयपुर पहुंचना है। What? चौंकने की जरूरत कोनी, क्योंकि पिट पिटा के हड्डी तुड़वा के तुम बन गए हो दर्दी, और भानुमती दर्दी से करती है हमदर्दी। अपने अस्पताल में करूंगी तुम्हारा इलाज। चलो बैठो गाड़ी में, चलो बैठो गाड़ी में, जल्दी करो। छोरी कोई नहीं, आ जा, तुझे घर छोड़ दूं पहले। कुछ बोलो ना। तुम कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। तुम भी तो कुछ नहीं बोलती हो, जरा मासूम सा हूं। लावली सिंह जी, कैरम का गेम खेलते खेलते हमारा दिमाग का अंदर का शाहरुख चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। ये जो रानी है इसे इसे मैं लेके जाऊंगा, और इसे कवर भी मैं ही करूंगा। क्या क्या ये? लॉक योर टॉक, अपनी बकवास बंद करो। रानी मैं ही लूंगा और कवर भी मैं ही करूंगा। आई विल टेकिंग, I will undertaking. लावली सिंह जी, तुम समझते नहीं है ना, तुम्हारा रानी को तो और दूध वाला कावर करके लेके गया था। सॉरी, खेले? Why not? Your shot. मुझे शर्म आती है। अरे अठे क्यों पड़े हो? ऊपर विराजमान हो जाओ।
राजू साहब। अरे चलो चलो, तुमको क्या लगता है तुम रानी लेगा? रानी को हम लेगा, ये देखो रानी को लेके दिखो तो, देखो रानी हमारा कब्जे में है, अभी देखो हम कावड़ लेने वाला है। क्या कबाड़ी 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 कावड़ हमारा हो गया है, अब तुम क्या करेगा? करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, भारतीय पहनने से कुछ नहीं होता है, तुमको इधर दिखाना पड़ेगा कि क्या। मैडम कहना है प्लीज, हमारे अंदर का खिलाड़ी आग से चिल्ला चिल्ला के बोलना चाह रहा है, क्यों थक रही हो? मैं यहाँ बैठ के कैरम खेल रहा था, सानी गया आपने उड़ा दिया उसको। मैं रानी लेने वाला था, कवर लेने वाला था। सो गया हमारा अंदर का खिलाड़ी आग से एकदम पौष्टिक दूध पी के सो गया है। राम का नाम लेने की उम्र में कैरम बोर्ड यहाँ खेला जा रहा है। बड़ी बात कोनी, गुस्सा चबा ले। ओ रोमियो जूलियट, भोला सोनिया। जी डॉक्टर दीदी। इन चारों को वार्ड में डालो, बीपी चेक करो, ऑक्सीजन लेवल्स चेक करो, मरहम पट्टी करो और इलाज की तैयारी करो। अरे टेंशन लेने की बात कोनी, मारा कथन याद ना है। दर्द से नफरत करो, दर्दी से कोनी, जितनी बढ़िया तरीके से फिटो है ना, उतनी बढ़िया तरीके से फिट करके भेजूंगी यहाँ से, समझो कई? समझो समझो, तो लेके जाइए। चलिए आप भी चलिए ना। चलिए ना खिलाड़ी। कोई काम कर रहे हो सुबह से? कोई पेशेंट आया हो, कोई दर्दी आया है? वड़े पाव वाला आया था जी। बड़ा पाव। I am sorry madam, sorry। Hi। मसाला वो खाया, हम सिर्फ छिलका खाया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.